कराची की मलीर जेल से 219 भारतीय माहीगीरों को जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा कर दिया गया। मुख्तलिफ औकात में समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार माहीगीर अपनी रिहाई और भारत भेजे जाने पर बहुत खुश थे। भारतीय माहीगीरों ने जेल में अच्छे बर्ताव पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मुझे घर जाके बहुत अच्छा लगेगा और इधर से निकलूंगा तब बहुत अच्छा है। मेरा इधर बहुत ख्याल रखा था। यहाँ पे हम लोगों को रहने में ना कोई प्रॉब्लम हुई, सब ने अपने भाइयों की तरह रखा है हम लोगों को, खाना भी सही देते थे। अभी एक साल के बाद मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, अपने अम्मा को मिलूंगा और बीवी को मिलूंगा, इसकी दिल में बहुत खुशी है। मलीर जेल सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि पाकिस्तानी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी पर 147 भारतीय माहीगीर कैद में हैं। एक साल से यहाँ कैद थे और 218 हैं जो आज जा रहे हैं। हम स्पेशल ब्रांच के हैंड ओवर कर देंगे जो ट्रेन के थ्रू या लाहौर से वाघा बॉर्डर से ये शिफ्ट करेंगे। रिहा होने वाले भारतीय माहीगीरों को कराची कैंट से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के जरिए लाहौर रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। कैमरामैन अली इमरान के साथ मोहम्मद अशद, 92 न्यूज़, कराची।